सहवारे भैया हाथ जोर के निवेदन है तुमते, अगर मेरो ही नंबर बिगाड़ना हो तो वैसी कह दो, चाय बंद कर दो। और देखो साहब, चाय बारे में हम ज्यादा कसू जाए मारना के कोई पता ना कब प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है। हाँ साहब, सभी से बस यही निवेदन है, जिस प्रकार से भजन तिगड़ी का आनंद ले रहे उसी प्रकार से आनंद लेते रहे। कलाकार बारी बारी से आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं। और देखिए लिखा आप जैसे विद्वानों ने भैया आकाश कैसे लेकिन कहा चार दिना को खे और ये धरो सब यही रह जाएगो और राजा हो जाए रंग काल सब भूखा। भैया बात उस समय की है, एक समय जब पापी रावण मां सीता का हरण करके ले गया तो मंदोदरी रावण से कह रही है, स्वामी आप सीता का हरण करके तो ले आए लेकिन मेरी एक बात सुनो। भैया कहा क्या और मत करे राम से प्यार। मंदोदरी ने कहा क्या और मत करे राम से प्यार, बलम तेरा मत करे राम से प्यार, बलम तेरे ना मन मानी होने की लुट जाएगी लंका सोने की। मोहकम सिंह जी दे रहे हैं हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा मंदोदरी ने आप कहते हो मैं राम से युद्ध लड़ूंगा लेकिन सुनिए भैया आकाश कहा क्या और क्या मरबे का पुरस्कार अब से कुंतल जी दे रहे हैं हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गांव में 500 और धाम के में आए कि 100 रुपया। हाँ सही है कहा दे दे साहब दे दे। और कहा हो तेरो को योद्धा लड़ भैया है और क्या मन पाएगा पुरस्कार अब सिंह जी दे अमर सिंह जी हैं या ना अब सिंह जी
51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा मंदोदरी ने क्या हो तेरो को यो ढालड़ भैया है, क्या तेरो को यो ढालड़ भैया है, हो तेरो कुंभकर्ण सो भैया है, तेरो कुंभकर्ण सो। और क्या मत बेटा मुस्कान हवलदार सतवीर सिंह जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का पुरस्कार हवलदार पूरन जी दे रहे हैं। देखो हवलदार है कि 51 रुपया दे रहे हैं, तुम्हें शर्म ना लग रही है? सरकार बैठे दुनिया भर के खाएंगे गवैयन को 50-50 रुपया कहा। और देखो मैं जाय मार कह रही हूँ कि मैं खूटेलन की भांजी हूँ। हाँ भांजी को नहीं देंगे तो देंगे कौन को? क्या बुबाई बात है रही है लोभी बनने के? मैंने अपनी भांजी चौनी नहीं दी भैया। कहा वो तेरो को योधा लड़वैया है, क्या वो तेरो को योधा लड़वैया है, और तेरो कुंभकर्ण सो भैया है, तेरो कुंभकर्ण सो। और कहा 6 महीना पीछे जगे ये 200 रुपए का पुरस्कार राजपाल ठेकेदार जी फोंडर से दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां भैया। कहा और 6 महीना पीछे जगे, 6 महीना पीछे जगे बलम जाए आदत ज्यादा सोने की लुट जाएगी। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहे, रानी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। रानी तारा कह रही है, महाराज उस दिन से आपको मेरी याद नहीं आई, आज अचानक आप मुझसे ये कह रहे कि मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, रानी मैंने ये सुना है कि तू डाहिने है, मैंने यह सुना है कि तूने बच्चों की हत्या की है। आहा सजो, जैसे ही रानी तारा ने इतने बचनों को सुना, रानी तारा राजा हरिश्चंद्र से कह रही है कि मुझसे ज्यादा दुखी न कोई। कहा स्वामी? कहा मुझसे ज्यादा दुखी न कोई, और मैं स्वामी सत्य बताती हूँ, अरे बालक ना यहाँ मेरी कोई, मैं कसम आपकी कि हिलकी भर के रोए गई रानी, हिलकी भर के रोए गई रानी, जाने टप टप आंसू डारे, अरे राजा जन कैसे भागी हमारे। आहा सजनों, राजा हरिश्चंद्र कह रहा, रानी मैं तुझे मारूंगा अवश्य, क्यों? क्योंकि मैं आदेश में बंधा हुआ हूँ। देखिए राजा हरिश्चंद्र कर क्या रहा है भैया, आकाश कैसे प्राण
हे रानी कैसे प्राण बकस दऊं तेरे मजबूरी है मेरी कैसे प्राण और कहा भैया क्या राजा हरिश्चंद्र कह रहा है अरे तो कुमारी कलेजा मेरो क्या कहा अरे तो कुमारी कलेजा मेरो तो कुमारी कलेजा मेरो डटे नहीं डटे गो अरे तो कुमारी कलेजा मेरो डटे नहीं डटे गो गो अरे नहीं मारू तो ना मारू तो प्राणन प्यारी मेरो धर्म धते गो ना मारू तो और ये ₹501 का पुरस्कार संजीव दरोगा जी नगला आंधू से दे रहे एक बार दरोगा जी के लिए जोरदार तालियां और कहा और ₹500 का पुरस्कार नाम बता दो और ये ₹500 पहले और ₹500 का पुरस्कार अब हरिओम प्रधान जी दे रहे हैं एक बार जोरदार तालियां और कहा देखिए कर्म की बड़ी विलंबना है भैया रोहतास कर्म की बड़ी विलंबना है क्या अरे लख 84 खत्म हुई ना क्या और एक बार सभी से निवेदन करूंगी मेरा छोटा भाई बहुत मेहनत कर रहा है एक बार इसके लिए जोरदार तालियां अवश्य होनी चाहिए आपकी अरे लख 84 खत्म हुई ना लख 84 खत्म हुई ना कलब युग चार गए अरे लख 84 खत्म हुई ना कोई पीत कलब युग चार गए क्यों अरे नाक में दम आ लिया कर क्या मरते हार गए नाक में दम आ लिया कर क्या और कहा नाक में दमा लिया करे क्या मरते हार गए क्यों आदमी मरता है फिर जन्म लेता है और फिर मरता है लेकिन होता क्या है कितनी माताओं के जन्म लिया रे याद नहीं क्यों अरे पिता हमारे और ₹51 का पुरस्कार और नवाब सिंह नगला कंजा ₹51 का पुरस्कार दे रहे हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कहा भैया और ₹200 का पुरस्कार सत्तो पहलवान बीडीसी मेंबर नगला खारी से दे रहे एक बार जोरदार तालियां कितनी माताओं के जन्म लिया रे हमारे भी कुछ याद नहीं क्यों अरे पिता हमारे हुए बहुत से उनका भी घर याद नहीं और कितने भाई बहन हुए क्या कितने भाई बहन हुए हमें एक अंग दर याद नहीं और अरे कर्म बलि योदा के आगे चले कोई फरियाद नहीं और इस कर्म रेख के बारे में
बधाई दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहा भैया जी, क्या इस कर्म रेख के बारे में, इस कर्म रेख के बारे में है नरक स्वर्ग कई बार गए, और अरे नाक में दम, नाक में दम, नाक में दम आ लिया करे क्या, मरते मरते हार गए, नाक में दम आ लिया क्या करे। और एक से रुपए का पुरस्कार, हाँ जी, 101 रुपए का पुरस्कार बजरंग दल के अध्यक्ष दीना भगत जी नंगला खारी वाले इस बच्ची के लिए दे रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और बच्चों का नाम बोल ले, सुनिए, राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा से कहा, रानी मैं तुझे मारूंगा अवश्य। राजा हरिश्चंद्र कह रहा है कि कालू का आदेश मिला है, रानी कालू का आदेश मिला है, उसने यहाँ पठाया हूँ, अरे खूनी तुमको बता दिया इसलिए मारने आया हूँ। सो हरी कहे नानो को जाके, हरी कहे नानो को जाके, जब नैनन चले बना रहे, अरे रानी जन कैसे भागी हमारे। आहा सजनों, राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहा, रानी सुन मेरे साथ में हुआ क्या है। भैया कहा कैसे, कहा अरे जाने और किस्मत कैसी खोटी, रानी अरे रे जाने किस्मत कैसी खोटी, और जाने कब से मिली रोटी, और जन कब से मिली ना है रोटी, क्यों अरे पापे पापे का तो पसीना आवे, क्या अरे पापे का तो पसीना आवे, और जाकी एक, और जाकी एक पेशना सभी बात ज्यादा कर रहे, भजनन ने कम सुन ले। और देखो आज के बाद में रोज बात करियो, हम तुम तेन यू कहवे नहीं आएंगे कि तुम क्यों बात कर रही, ठीक है साहब। और कहा भैया आकाश, क्योंकि राम रसायन जैसा कोई घोल नहीं है, हम तो आपके बच्चे हैं, अगर कुछ गलती हो जाए तो बच्ची समझ करके क्षमा करें, लेकिन बातों को सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं शब्दों का ही मेल है, शब्दों का ही खेल है, और शब्दों से बच्चा पास है तो शब्दों से ही। जब कहा हो क्योंकि राम रसायन जैसा कोई घोल नहीं है, और पृथ्वी है, पृथ्वी है जैसे गोल, और कोई गोल नहीं है, क्या वो पृथ्वी है जैसे गोल, और कोई गोल नहीं है, और इस जमाने में है प्यार के मीठे बोल, और कोई गोल नहीं है, और
अरे नाते नाते और रिश्तों की कोई तोल नहीं है भैया, अरे नाते और रिश्तों की कोई तोल नहीं है। और अगर बात आपके दिल को छू जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद, अगर बात सत्य लगे तो क्या। अरे नाते और रिश्तों की कोई तोल नहीं है क्यों, क्योंकि माँ के दूध का दुनिया में कोई मोल नहीं है। माँ के दूध का दुनिया व्यापारी गयो दिखे। सुनिए राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा से कहा, रानी मैंने कई दिन से भोजन नहीं किया। जैसे ही रानी तारा ने इतने वचनों को सुना, देखिए रानी तारा कह रही है भैया काश कैसे, जब हम नहीं होंगे तो
जैसे मुर्दों में इतनी बढ़िया शराब होती है। हरिओम नाना जी, 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा जब हम नहीं होंगे तो पापा कौन करेगा ये फर्ज मोहब्बत का। क्या ये फर्ज मोहब्बत कौन करेगा जब हम रानी तारा ने कहा। और ये 200 रुपए का पुरस्कार सत्तो पहलवान जी बीडीसी मेंबर नगला खारी से दे रहे हमारी जोरदार तालियां। भैया कहा यार सलामत। क्यों मेरे और इस बात को मैं भी कह रही हूं या रब। रानी तारा तो कह ही रही है लेकिन मैं भी कह रही हूं या रब मेरे दुश्मन को तू रखना सलामत। किस लिए मेरे मेरे मरने की। क्या मेरे लिए मरने की दुआ कौन करेगा जब हम। और एक बात और मेरी तरफ से सबने बनेंगे तो क्या इनके तरफ ये लाइन इनकी तरफ है हंसी में ना लेना। क्यों सबने बनेंगे तो अगर सब हमारे जैसे ही है जाएंगे तो फिर हमें को पूछो सही है। हर तरह का इंसान जरूरी है सबने बनेंगे तो रोहतास भैया सबने को बनेंगे तो गुनाह कौन करेगा। इंसान को चेतावनी दी दरोगा जी
दूत फेर तो ले जाएंगे और जा दिन तुक्का, अरे जा दिन तुक्का लग जाएगा भैया के लिए जोरदार तालियां। कहा अरे एक से इतनी सब जीवन में कहा अरे एक से इतनी सब जीवन में दान पुण्य नहीं कियो है और अरे घर को पानी दूध समझ जाने घर को पानी दूध समझ जाने फूक फूक के भैया अरे घर को पानी दूध समझ जाने फूक फूक के पियो है और अरे घी दिए की चले कहा क्या अरे घी दिए की चले कहा जाने राम नाम नाए ऐसे सेठ को ऐसे सेठ को भोला ने धनु हार के छप्पर दियो है ऐसे सेठ को भोला ने धनु अब सुनो हाथ जोड़ के निवेदन है शांति से सुन लियो एक सेठ जी जिन्हें अपने जीवन में कबो दान ना करो सेठ जी की अंतिम सांस चल रही है सेठ जी घाट पे पड़े अब भैया सेठ जी घाट पे पड़े तो गांव बारे ने सोची नहीं हो तो जा सेठ पे एक दान तो करवाई नहीं अब गांव के बड़े बूढ़े झट सेठ के घर पहुंचे अन सेठ जी अब मौको अब दान कर लेते और तुम्हें पता सेठ जी का कह रहे पर दान तुम दान की बात कर रहे मैंने आज तक अपनी भांगिया चोनी नहीं दई गांव के लोग आए बेशरमाई ते दूसरा दिन फिर पहुंच गए पर सेठ जी अब मौको अब दान कर लेते सेठ जी सोच रहे पर गांव के रोज रोज परेशान है रहे नहीं हो तो एक दान ही कर लूं तो सेठ जी के द्वार पर बन रही एक बूढ़ी गैया सेठ जी कह रहे ना हो तो जाइए दान कर दू जो निहार पे तेज पड़ रही है अब सेठ जी जाऊं मैं अपना फायदा ही सोच रहे और देखो वहां गाय को दान कर रहे भैया आकाश कैसे गौ को दान करैया है और अरे द्वारे तक नहीं गैया पहुंची तुम जाते पंडित अच्छा पूछ रही कहा अरे द्वारे तक नहीं गैया पहुंची द्वारे तक नहीं गैया पहुंची पंडित तुम मरियो ले भैया है भैया द्वारे तक नाए गैया पहुंची और ये 200 रुपए का पुरस्कार मंत्री प्रधान जी दे रहे हैं हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा भैया अरे द्वारे तक नाए गैया पहुंची पंडित तुम मरे ओली भाई
का पुरस्कार सुनील नगला खारी से दे रहे हैं, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो सेठ जी ने दान करो, दान करत खेम सेठ जी की नाम ना। अब सेठ जी तो गए ही गए, बेचारे पंडित जी महाराज अब लोभ में आए हैं, बेचारे बिना क्यों नमो नारायण है गए। तुम बोला ना पंडित ही दिखे जो कह रहे हैं सब के सब पंडित ही है। हाँ क्योंकि जागाम भी एक पंडित होगा भाई की चलेगी। भैया देखो पंडित जी महाराज लोभ में आ गए गैया के, बनिया तो मरो तो मरो पंडित जी न्यू संग मिले मरो। अब बनिया पहुंच गए यमराज जी के धोरे। अब यमराज जी बनिया की लिस्ट खोल के देख रहे हैं, बच्चों ने बनिया तेने अपनी जिंदगी में कब दान करो। बनिया कह रहा महाराज तुम काहे को झूठ बोल रहे, मैं हवाले दान करके आया हूं। बन भले आदमी तेने ऐसा दान करो, देख तू आयो तो आयो संग में पंडित जी महाराज न्यू ले आयो। आज तक ऐसा दान भैया काम नहीं लाए करो, देख तूने एक दान किया है तुझे 12 घंटे का स्वर्ग मिलता है, बाकी का सब नरक है। बता पहले स्वर्ग लेगो के नरक। बनिया बड़ो चाला, बनिया कह रहो महाराज पहले स्वर्ग ही दे दो नरक तो फिर भोगते ही रहेंगे। अब यमराज जी बोले कि 12 घंटे तक तू इस गाय से कुछ भी कहेगा ये गाय वही करेगी। अब तुम्हें पता बनिया चालाक तो हो ही है। बनिया कह रहो महाराज पहले त्रिविच्छा भर दियो करेगी के ना करेगी, ऐसा नहीं होएगा तुम झूठ बोल रहे हो। यमराज जी बोले करेगी करेगी और करेगी। अब देखो बनिया क्या कर रहा है भैया। जोड़ के बनिया बोलो गैया को समझ हाय की रे, और अरे धर सिंगन पे यम को फेंक दे मैया तुरंत उठाए की रे। क्या अरे धर सिंगन पे यम को फेंक दे मैया तुरंत उठाए की रे। जैसी गैया ने सुनी, अरे इतनी बात सुनी गैया ने और फूट टूट परी अल्लाह की रे, और हो सवास उड़ गए यमराज के भगिली और जान बचाए की रे, हो सवास उड़ गए। ग्यारह रुपए का पुरस्कार संजय मामा खाली नगरा वाले, तुम्हारे मामा है के मेरे? अच्छा मेरे। अब आगे यमराज जी ते पीछे गैया, गैया ते पीछे बनिया, बनिया ते पीछे पंडित जी महाराज माला लेके नमो नारायण करते जा रहे। अब यमराज जी भागते भागते पहुंचे ब्रह्मा जी के धोरे। जैसी ब्रह्मा जी के धोरे पहुंचे यमराज जी ने कही मात्रा ही मात्रा ही माई प्रभु। यमराज जी बोले मन बात है मन देखो आई गैया। अब ब्रह्मा जी का पतो का है रो। अब बनिया सोच रो है, अरे हाथ जोड़ के बनिया बोलो क्या, अरे हाथ जोड़ के बनिया बोलो जी ब्रह्म फेर सतावे गो भैया। अरे हाथ जोड़ के बनिया बोलो जी ब्रह्म फेर सतावे गो, और अब की बच की चलो गयो तो नायन तामी भैया। अरे अब की बच की चलो गयो तो नायन तामी आवे गो क्यों, अरे यम के सामे जा ब्रह्मा को
खेल खत्म भैया। अरे यम के संग में जा ब्रह्मा को खेल खत्म है जावे गो। और अरे ब्रह्मा बोलियो, ब्रह्मा बोलियो सारे यम तू हम बनिया आई गुस्सा बनिया कह रो है अरे पैर उठा जा बाबा जी आई गैया ते कई भोले बाबा ने बनिया ने गैया ते कई अरे पैर उठा जा बाबा जी आई ऋषा के बनिया बोला है। और अरे इतनी बात सुनी बनिया की पीरो पर गयो भैया इतनी बात सुनी बनिया की पीरो पर गयो चोला है। और अरे तीनों सोचे हवा रुके ना क्या अरे तीनों सोचे हवा रुके ना फटो का जब को गोला है। और अरे ब्रह्मा और यमराज भाग रहे पीछे बम बम भोला है। केवल एक कड़ी रह गई है जैसी तीनों के तीनों विष्णु भगवान के दौर पहुंचे। जैसी विष्णु भगवान के दौर पहुंचे जो यमराज जी ने 12 घंटा को ऑफर दिया वो खत्म। अब जब ऑफर ही खत्म है गो तुम बताओ गैया काय को बनिया की बात मान नहीं बिल्कुल नहीं मान नहीं बनिया पकड़ लो यमराज जी ने और भोले बाबा ने बनचोरे बनिया तेने हम तेने बूढ़े ब्रह्मऊ भगाए अब तो बेटा तो घोर नरक में ले जाएंगे। इस जगह पर विष्णु भगवान एक बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं भैया आकाश कैसे अरे ले की बनिया चले नरक में। और देखो कोई सेठ जी महाराज हो तो साहब बुरो मत मानी कहा मानी जाए तो हमारे खेत पे ना बरस रहे भैया कहा अरे लेख की बनिया चले नरक में जब विष्णु ने वचन उच्चार्यो है। अरे लेख की बनिया चले नरक में विष्णु ने वचन उच्चार्यो है। ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शन ना कोई काम सुखारो है। और अरे तीनों के दर्शन कर गयो बनिया जितना कर गयो काम करा रो है। और अरे सीधे स्वर्ग को भेजो जाए के लखन उबर के बाद